हाँ चलो रिकॉर्डिंग आ गया। बोले ये ऑफ नहीं हो जाएगा ना अपने आप? हाँ थोड़ा तो टाइम बढ़ा दो। लोग पीटीएस कब से स्टार्ट होगा? पीटीएस कब से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट है नहीं नहीं पीटीएस पहला हो गया। कितने होते हैं? तीन होते हैं क्या? पांच हो गए। थ्री पॉइंट वन ओके। ओके तो ये हो गया होगा आप लोग का एक्सरसाइज। सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या हो? क्या 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 जनरल फॉर्मूला में सेकेंड वाला फॉर्मूला लास्ट में क्या है? वही प्लस माइनस अगर रहा ना, प्लस माइनस अगर रहा ना तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ आपको दे दिया गया साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स है ना। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है फिर? माइनस कॉस एक्स। इसका क्या बन जाएगा? ई रेस टू एक्स, साथ में एक प्लस सी आ जाएगा है ना। मतलब अगर अलग अलग रहे ना, एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन प्लस तीसरा फंक्शन, तो फिर आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखिएगा एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का सेकेंड एक्स स्क्वायर वन माइनस टू ओवर एक्स का होल स्क्वायर। इसे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। एक्सक्यूज नहीं है, स्क्वायर ही है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टू ओवर एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे? पहले तो उस ब्रैकेट को पूरा ओपन करोगे है ना, वन माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर को। तो देन आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस फोर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओवर एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अब आपने इसे मल्टीप्लाई कर किया तो देन आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स इंटू डी एक्स। तो वह समझ में आ गया होगा आपको, इसे हमने सेपरेट कर लिया, डायरेक्ट करते हैं ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये फॉर्मूला लगेगा है ना। तो ये आ गया तुम्हारा एक्स क्यूब ओवर थ्री। अच्छा फोर का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ फोर डीएक्स, फोर बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स है ना। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का मतलब क्या होगा? आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना एक्स रेस टू जीरो इंटू डीएक्स, क्योंकि एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन ना, बराबर। तो अब ये फॉर्मूला रहेगा एन प्लस वन, तो दैट इंप्लाइज इसकी वैल्यू क्या होगी? फोर एक्स आ जाएगा है ना। तो ये चीज आप याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स हमेशा एक्स होगा। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या बनेगा? एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा? फोर एक्स माइनस, या ये वाला क्या बन जाएगा? फोर एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस सी है ना। बाद में आप कट कर लेना फोर और टू को।
तो जितना हो सके सेपरेट आप करो, जितना हो सके सेपरेट करो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हटा देते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1/5 इंटीग्रेशन प्रैक्टिस बहुत सही है, बराबर। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं बना पाओगे। तो ये दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ - 2x + 5 ओवर x अंडर रूट x इंटीग्रेट। इसके पहले एक चीज बता दे, कहीं को दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, अगर fx अपॉन dx है, दो फंक्शन है और dx है ना, इसे कभी भी आप ऐसा मत लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dx dx, ठीक है, ये चीज मत लिखो, बराबर। प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट में भी ऐसा नहीं होता है। अगर एफ एक्स है और जी एक्स है, इसे आप बाद में पढ़ोगे बाईपार्ट्स में, तो ऐसा नहीं है ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बस आपको ये फोकस करना है प्लस माइनस, है ना, जितना हो सके आपका सेपरेट कर लो। ऐसा नहीं होता है तो नॉट इक्वल टू लिखे। चलो इसको बताओ, तुम्हें बाद में बताएंगे ना। हाँ हाँ भाई, अरे बदनाम कराएंगे क्या, चलो भाग जाएगा फिर। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, है ना। सेपरेट का मतलब अब x रूट x है, x मल्टीप्लाइड बाई x की पावर हाफ, ये क्या बन जाएगा, 1 + 1/2 x की पावर क्या बन जाएगा, नहीं यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार दिमाग में चलता है इसका इंटीग्रेशन कर ले अपॉन इसका इंटीग्रेशन कर ले, है ना, वो मत करना, वो होता भी नहीं है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 3/3x³ - 2x + 5 पिंक विजिबल है ना, क्लियर। अब क्या करोगे, सेपरेट एक एक को दे देना, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, अच्छा ये क्या बन जाएगा, पावर में जाएगा तो क्या बनेगा, 3 - 3/2 मतलब 3/2 आने वाला, माइनस इसका माइनस आप आ जाएगा ना, इसे क्या बन जाएगा, बराबर है। अब क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, पहले 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा, अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 5/2 बनेगा, है ना, तो x^5/2 ओवर 5/2 मतलब, हाँ 2 यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ऐसा तो इसका क्या बन जाएगा, x^2 + 5 x^ क्या बनेगा, ओवर -5, ठीक है, जरूर दे देना। तो अब कितना आएगा हमारे पास, 6/5 x^(3/2) - 4 इसे लिख सकते रूट है ना, और ये क्या बन जाएगा, -10 / √x लिख सकते हैं, डाउट है नहीं।
चलिए आगे बनाइए आप लोग। हाँ ये बनाओ, साइन टू एक्स ओवर साइन एक्स, इसे बनाइए आप लोग, साइन टू एक्स ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स। हाँ साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, टू साइन एक्स प्लस सी आएगा, क्योंकि साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, है ना। अब इंटीग्रेशन दो इसको, साइन एक्स साइन चला गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, है ना, और ये टू है साथ में, तो टू साइन एक्स बराबर। हाँ नेक्स्ट नंबर सिक्स है सर, हाँ नंबर सिक्स, ये सेकंड का चल रहा है, ये लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर वन प्लस साइन एक्स, आया क्या? आया किसी का? साइन एक्स ओवर वन प्लस साइन एक्स क्या करना है? इसे आप लोग ऐसे नहीं लिखे हो ना, साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स ओवर साइन एक्स, वो चीज नहीं लिखे हो ना। बढ़िया, तब बनाओ तो कैसे बनेगा, इसे मल्टीप्लाई कर लो, किससे पता है, वन माइनस साइन एक्स, इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, वन माइनस साइन एक्स, यहां भी वन माइनस साइन एक्स, ठीक है, अब बन जाएगा। तो यहां पे आया होगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में, यहां लिखा होगा आपने साइन एक्स माइनस ऑफ
साइन स्क्वायर एक्स ना, और जो आपने किया होगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स कितना आया होगा, कॉस स्क्वायर एक्स आया होगा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद क्या किया होगा, साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, इसे आप क्या लिख सकते, देखो तो ये लिख सकते हो टेन एक्स इंटू सेक एक्स बराबर, तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ओके माइनस डी एक्स लिख देते हैं ना, इसे क्या लिखा होगा आपने, टेन एक्स स्क्वायर एक्स सेक एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स, तो सेक एक्स होता है ना, क्लियर, ये आ गया तुम्हारा सेक एक्स माइनस ऑफ, अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया सेक के टर्म में, so I can write it as sec square x minus 1 into dx, ठीक है, है ना, अब ये तो रखा हमने sec x रखा, तो आंसर आ गया हमारा sec x और हाँ माइनस tan x हो जाएगा प्लस x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x बनेगा, तो माइनस tan x प्लस x, है ना, ये हमारा आंसर होगा। Now, give me a minute. No, sir. अब एक इंटीग्रेशन होता है जिसमें a लग जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, ये सपोज ये पढ़ाया था आपको साइन x का इंटीग्रेशन, क्या बताया था, डी एक्स के बिना साइन x इंटीग्रेशन अधूरा है, ठीक है, माइनस कॉस x, अब मान लो ऐसा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स आ गया, जब भी आए कोई कांस्टेंट आ रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वन कॉस ऑफ एक ओवर ए, है ना, क्लियर, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, तुमसे कोई पूछ लिया साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स, अब क्या बताओगे, माइनस कॉस ऑफ थ्री एक्स ओवर, ठीक है, ये होता है कहां से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनता है, है ना, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ना, अगर मान लीजिए ऐसा है ए एक्स, अब ये कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं ना, एक्स प्लस बी रेस टू एन इंटू डी एक्स, तो ये किस फॉर्म में है हमारा, एक्स की पावर एन, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी रेस टू, अच्छा ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, हाँ नहीं सिर्फ, हाँ ए मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की कोफिशियंट, ये कॉन्स्टेंट हम नहीं है, क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे एक्स की कोफिशियंट प्लस की, तो है ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू बताओगे, कॉस ऑफ फोर एक्स माइनस वन का साइन ऑफ फोर एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस, ये सब लिख लो, अगर आता है तो छोड़ दो, है ना, बराबर, जबरदस्ती नहीं, अगर आता है तो छोड़ दो, अगर नहीं आता है तो वो चीज लिख लो, बराबर, नेक्स्ट,
इसका वैल्यू बताओ तो साइन 4x cos 3x इनटू बी। चैप्टर सब फास्ट ही रखेंगे है ना, क्योंकि जल्दी भी कंप्लीट भी करना है। ये क्यूब नहीं है ना, 3x है, cos के साथ लगा हुआ है, पावर नहीं है ये, भैया 3 है। इसे बनाइए, 3.1 तो आज हो ही जाएगा। सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा था क्या थोड़ा बहुत भी? सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़े? अच्छा अच्छा तुम्हारा नहीं, चलो क्या कॉलेज में भी नहीं हुआ है क्या तुम्हारा? क्या कराते क्या चले पैसा लेते हैं क्या? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, क्या किसके साथ आया फिर यहाँ के साथ? अच्छा तो मतलब कॉलेज भी तो नहीं होता होगा फिर, बस प्रैक्टिकल्स होते हैं। हाँ फिर तो सही, कोई नहीं ठीक है। ये कैसे बनाओगे, ये कैसे बनाओगे? ऐसा नहीं सोच रहे हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, ऐसा नहीं बनेगा। तो फिर फिर भी तो वो टर्म रहेगा, और वो तो और भी ज्यादा हो जाएगा ना, फिर क्या क्या आ जाएगा, मतलब तीन टर्म आ जाएंगे ना, साइन 2x आएगा, cos 2x आएगा, cos 3x आ जाएगा, बराबर। फिर क्या करोगे इसके बाद? ये देखो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तुम लोग को याद है, 2 साइन a cos b, ये फॉर्मूला था ना, क्या था? साइन ए प्लस साइन, हाँ नहीं नहीं बाय टू नहीं था, ठीक है ठीक है, प्लस प्लस साइन ऑफ देख लो, हम पढ़ा देते हैं ठीक है। टोटल तीन फॉर्मूलाज होते हैं, इसमें तीन फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो होता है 2 साइन ए कॉस बी, एक होता है 2 कॉस ए कॉस बी ना, अब ये मतलब 2 कॉस ए साइन बी बात बराबर है, और एक होता है दोनों अगर साइन बन जाए, है ना। तो याद करने के लिए हम ये बताते हैं, पहले आप a माइनस बी रखो यहाँ, और कॉस कॉस में क्या आएगा, ऑब्वियसली कॉस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस को पहले रखना, यहाँ प्लस देना, प्लस क्या देना साइन ऑफ ए प्लस, यहाँ पे क्या देना प्लस कॉस ऑफ, यहाँ पे माइनस आ जाता है, ओके। इतना लफड़ा जो किए ना, वो माइनस को पहले रखने के लिए, किसलिए कर दे इस माइनस को, आप लोग कंफ्यूज नहीं, बाकी समझ रहे हो, इसको आप ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो वो तो आ ही जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। तो दैट इंप्लाइज, अब तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी, मतलब क्या हो गया यहाँ पे साइन ऑफ 7 प्लस क्या लिखोगे साइन ऑफ ए माइनस बी साइन एक्स आ जाएगा, है ना, ओवर 2 इंटू डी, क्या होगा 2 क्या होगा बाहर आएगा, तो 2 अगर बाहर आ गया तो 1 ओवर 2 साइन 7x का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 7x बाई 7, है ना, माइनस कॉस 7x ओवर 7
माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये आंसर है ना, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। डाउट है? सिंपल है। ये बनाओ तो वन प्लस साइन फाइव एक्स रूट के अंदर है। करने के लिए आपको ये टर्म याद है क्या, इसके साथ आप क्या क्या करते थे? ये टर्म कुछ देख के याद आया, वन प्लस साइन टू मिट्टी में था, क्या कहते थे इसके साथ? नहीं, इस वन को क्या लिखा करते थे? ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन टू एक्स को क्या लिखा करते थे? टू साइन एक्स। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, मतलब ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? क्या बन जाएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। और वही चीज इसके साथ करेंगे, तो अब तो फाइव है, मतलब सब फाइव को क्या है? फाइव को कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टू और यहाँ पे लिख लो फाइव एक्स ओवर टू, अब देखने में अच्छा लग रहा है ना ये। अब ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर फाइव एक्स ओवर टू प्लस साइन स्क्वायर फाइव एक्स ओवर टू प्लस ट्वाइस ऑफ साइन फाइव एक्स ओवर टू कॉस फाइव एक्स ओवर टू, है ना? अंडर रूट रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला में? कॉस फाइव एक्स ओवर टू प्लस साइन फाइव एक्स अब क्या हो जाएगा? ये तो हो गया, कॉस के लिए क्या बन जाएगा? साइन ओवर टू, ओवर क्या होगा? फाइव ओवर टू, मतलब टू ऊपर जाएगा फाइव नीचे आएगा, फिर प्लस सॉरी माइनस, क्या लिखोगे? कॉस ऑफ बाई टू ओवर, फिर से वही कहानी आएगा टू फाइव। भावना में बह के ये एक टू टू को कैंसिल मत कर देना, ठीक है ना? वो एंगल का है, लिख लेते हैं। और एक चीज, अगर मान लो यहाँ माइनस आ जाए, सपोज है ना, प्लस के जगह पे यहाँ पे अगर माइनस आ जाए, है ना, तो ये माइनस हो जाएगा,
तो अब देखिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, इसे आप क्या लिखोगे, मतलब कॉसेक, इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं ना, इसे हम ये भी लिख सकते हैं कॉसेक माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ना, या फिर क्योंकि ये भी तो सही है ना, साइन एक्स माइनस कॉसेक का होल स्क्वायर बराबर। अब क्या करना है तो समझ आए ना, आंसर में चेंजेस आ जाएंगे, या तो कॉसेक प्लस साइन एक्स होगा या फिर साइन एक्स माइनस कॉसेक होगा, जो बोर्ड का बुक है उसके हिसाब से तो हमेशा माइनस ही रखना है ना, बाकी जब कंपटीशन में होता है ना तो वो डिपेंड करता है कौन बड़ा है, किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। अगर सपोज एक्स की वैल्यू जीरो से पाई बाई फोर है तो इसमें क्या होता है ना, इस इंटरवल में कॉसेक्स ग्रेटर हो जाती है साइन एक्स, तो ऑब्वियसली ये ओपन होगा तुम्हारा कॉसेक्स माइनस साइन एक्स में, लेकिन जब एक्स की इंटरवल पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू है तो साइन बड़ा होता है, साइन जब बड़ा होता है तो समझ रहे हो, तो फिर क्या ओपन होगा वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्लियर। वो डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में, लेकिन बोर्ड का बुक में हमेशा अब क्या करोगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का यूज करोगे, ठीक है। आगे रैशनलाइज आता है ना, रैशनलाइजेशन तुम लोगों आता तो बढ़िया है, तो इसको बनाओ तो डी एक्स ओवर सेवन एक्स प्लस टू रूट है माइनस सेवन एक्स माइनस टू है तो पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो तुम्हारा चेंजेस यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म में है, सेवन एक्स माइनस थ्री दे दिया गया, इसे कैसे बनाओगे, रैशनलाइज कर लोगे, चलो रैशनलाइज करो, इसका बता रहे रैशनलाइज करो समझ में आ जाएगा। आंसर आया क्या, भाग गया भाग गया, हाँ बोलो आगे आंसर कितना है, आंसर कितना है, हाँ ठीक है थ्री बाई टू आया है, थ्री बाई टू आया है, सही है, कितना आया क्या, प्लस की स्क्वायर नहीं होगा ना, वो रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, ठीक है, तो स्क्वायर नहीं रहेगा नीचे में, क्लियर। तो अब देखो सेवन एक्स कैंसिल हो जाएगा, बनाओ आगे बनाओ आ जाएगा, पेज 22 से स्टार्ट है, पहले का कहाँ गया था,
असाइनमेंट होगा ना आप लोगों के पास, पेज नंबर 30 निकालो तो 30 है, धीरे धीरे बनेगा ये सर। तीन नंबर बनाओ, हाँ तीन नंबर बनाओ तो एक बार, नंबर थर्ड, हाँ नंबर थर्ड। देख के बता दो यार कौन सा इसमें तो सही है, कौन सा सही है, पहला वाला गलत है ना सही है? पहला वाला क्या होगा? हट्टी है ना यार, यहाँ पे तुम लोग क्या खोज रहे थे? तीन नंबर, ये तीन नंबर देख रहे थे, ये कौन दिया तुम लोग को? सुनील को दिए क्या? आधा तुमको दिए आधा हमको दिए सर, वही तुम सोच रहे कौन सा इसके पहले का नहीं है, वही हम बोले ना 20 का पहले का, तो इसमें है क्या? हाँ इसमें होगा ना, 30 नंबर खोलो पेज नंबर। स्टार्टिंग यहाँ से है ना, वही तो लगा मुझे। हाँ इसका बनाओ, चल इसका बनाएंगे आप, इसका थर्ड नंबर बताओ। फर्स्ट वाला सही है ना गलत है? सही है ना, ऐसा नहीं है एक से कैंसिल हो जाएगा, है ना बराबर, वो नहीं होगा तो खत्म, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है ना। दूसरा वाला भी नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पर सी एक्स आ गया, सी के साथ एक्स है ना, सी वाला भी नहीं होगा, सी वाला होगा क्या? होगा ना, वही ना, कॉस एक्स का तो साइन एक्स बनेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स टेन एक्स बनता है, सही तो है, सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप है ना। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ए भी सही है सी भी सही है, ओके नहीं बी वाला गलत है, हाँ ए और सी सही है। चलिए ओके नेक्स्ट ये प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड एफ एक्स, ये आप लोग का बुक का प्रॉब्लम, फाइंड एफ एक्स, और कभी कभी हम लोग इंटीग्रेशन को यह भी बोलते हैं प्रिमिटिव, है ना, क्या बोलते हैं प्रिमिटिव ऑफ इफेक्ट, अगर ये वर्ड आपको मिले इसका मतलब वो आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहा है, प्रिमिटिव ऑफ इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम क्या कहेंगे है ना, प्रिमिटिव कहेंगे, नाम दिया गया और कुछ नहीं। हाँ चलिए इसका इसका बताइए, तो पहले आप क्या निकालोगे, ऑब्वियसली ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डीएक्स, ये क्या बनता है हमारा एफ एक्स बनता है, अच्छा प्लस सी भी रहेगा, ठीक है ना, तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स प्लस सी, सी तो आ ही जाएगा है ना, तो बेसिकली हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, क्लियर, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर ओवर टू है ना, इसका क्या हो जाएगा,
ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x की पावर माइनस थ्री, मतलब नहीं माइनस थ्री जाएगा, अब उसका इंटीग्रेशन होगा तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू ओवर माइनस टू है ना, थ्री बाई टू ओवर एक्स स्क्वायर लिखते हैं है ना, क्योंकि x की पावर माइनस टू आएगा, प्लस सी आएगा यहाँ पे याद रखना है ना, प्लस टू इंटीग्रेशन का, हाँ सॉरी 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 थ्री ओवर टू एक्स स्क्वायर आएगा। अब एफ ऑफ वन की वैल्यू दिया गया है तो एफ ऑफ वन क्या बनने वाला है, वन ओवर टू प्लस थ्री बाई टू प्लस थ्री, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है इलेवन ओवर टू, ये क्या आएगा वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू, दोन टू प्लस, तो सी की वैल्यू क्या आ गया इलेवन माइनस फोर दैट इज सेवन, सेवन बाई टू आ गया है ना। हमसे क्या पूछा था इफेक्ट, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा एक्स ओवर टू प्लस थ्री ओवर एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर सेवन ओवर, ठीक है तो ये हो गया हमारा। बाकी आप लोग 7 3.1 का बना लोगे है ना, और एक प्रॉब्लम लिख के रखा था यार उसको, वो सब बनाए थे क्या पिंक में रखे थे ना, यहाँ पे नहीं बनाए थे लिख के रखे थे, इसे बनाइए आप इंटीग्रेशन e रेस टू ln x प्लस ई रेस टू ए एल एन एक्स प्लस ए रेस टू ए एल एन एक्स प्लस ए रेस टू एल एन ए, ये प्रॉब्लम ठीक है बना इसको। इसका हमें क्या निकालना है इंटीग्रेशन, हमें क्या निकालना इंटीग्रेशन, पहले क्या बनेगा e रेस टू ln x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, क्यों e रेस टू x का इंटीग्रेशन होता है ना, e रेस टू x, e रेस टू ln x है ना, प्रॉपर्टी याद है तुम लोग को, लॉग पढ़े हो लॉगरिथम, लॉग नहीं पढ़े हो, प्रॉपर्टी होता है ए रेस टू लॉग एक्स रेस एक्स, ठीक है ये बनता है एक्स, इसे समझ लेना, ए रेस टू लॉग एक्स रेस एक्स क्या बनता है एक्स बनता है। तो अभी आप देखिए ई रेस टू एल एन एक्स है ना, सबको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, एल एन वाला जानते हो ना लॉग बेस एक्स है कि नहीं, तो ये क्या आ जाएगा इसके साथ इसका कंपेयर करो एक्स आ जाएगा ना बराबर। तो अभी तक हमारे पास इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिख रहे हैं ये एक्स बनेगा है ना प्लस, ये क्या होता है ये पावर में जा सकता है ना, ये पावर में जाता है, जैसे ये प्रॉपर्टी होती है एम लॉग ए बेस बी अगर है तो ये बन जाता है लॉग बेस बी ए की पावर, ओके
तो अभी आप देखिए e रेस टू a ln x, इनका मतलब समझ लो log x। तो ये जो a जो पावर है ये पावर कहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा e रेस टू log बेस e x रेस टू a। तो ये क्या बनेगा फिर, किसी आ गया ना ऊपर वाला प्रॉपर्टी, ये सेम ये सेम बराबर। तो ये फिर आ गया x की पावर a, a, a यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो प्लस क्या आ गया प्लस, हाँ ये क्या बनेगा a रेस टू क्या दिए है a ln x, कुछ नहीं होगा इसको हटा दो, इंटीग्रेशन नहीं होगा, हर टर्म की इंटीग्रेशन नहीं होती है, क्लियर। जैसे अगर आप साइन एक्स डिफरेंशिएशन किसी का भी हो सकता है, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, ना ही इसका होता है e टू एक्स स्क्वायर, ये सभी कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, है ना, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इंटीग्रेशन कुछ टर्म्स होते हैं, तो उसको आप हटा दो, तो हमने गलत लिख दिया, ये कुछ होगा ही नहीं बाकी। अच्छा इसके साथ हमें दिक्कत नहीं है, है ना। अच्छा ये भी, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा लॉग बेस, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए। अब देखो आपका इंटीग्रेशन सिंपल हो गया है कि नहीं, तो यहाँ पे सुधार कर सकते थे हम, तो थोड़ा चेंजेस करिए, इसको हमने रखा ई, ओके यहाँ पे ए, यहाँ ठीक है ना, हाँ अब सही है, ई रेस टू एक्स के लेने, तो अब क्या होगा एक्स पावर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स आ जाएगा ना, तो इसमें हमने लिख लिया ए की पावर एक्स प्लस ए है ना। अब देखो आपको सिंपल हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, एक्स रेस टू टू ओवर टू, इसका क्या जाएगा एक्स रेस टू ए प्लस वन ओवर ए प्लस वन, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ओवर एल एन ए, इसका क्या जाएगा प्लस, ट्रिगोनोमेट्री के जितने फॉर्मूलास पढ़े हो सारे के सारे अभी काम में आने वाला है, ओके इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट लिखिएगा टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब बहुत तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये हो गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फिर क्या होता है बाय पार्ट, है ना, फिर कुछ स्पेशल फॉर्मूला, फिर आपका पार्शियल फ्रैक्शन, ये सबसे होता है ना, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा कुछ इसका नियम वन तो है नहीं, ओके तो ये आपको खुद से समझना पड़ेगा, इसके लिए डिफरेंशिएशन थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, ओके कि कब किसे हम लोग एज्यूम करेंगे नहीं एज्यूम करेंगे। चलिए तो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं आपको, ये कुछ हद तक क्लियर हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पे एक स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x क्यूब है dx, ये टर्म है ना, ये तो दिख रहा है आपको नॉर्मली इंटीग्रेशन नहीं है, तो हमने क्या सोचा कि ना x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट है बराबर, तो हमने यहाँ एज्यूम किया x क्यूब को एज्यूम किया c बराबर है। अब इसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, बराबर डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ पर. अगर आपने ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया तो कैसा होगा, डी डी एक्स ऑफ, थोड़ा सा लंबा दिखाएंगे उसके बाद आपको शॉर्ट भी बताएंगे. डी डी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी टी ओवर है. अब इसे हमने ऐसा नहीं लिख के, हमने डायरेक्ट अब ऐसे लिखेंगे बराबर. क्या करेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, साथ में आप डीएक्स दे देंगे है ना. देखो ना डीएक्स दिया है यहाँ पे साथ में, हाँ तो बराबर है. और टी का डिफरेंशिएशन क्या लिख दोगे आप, है कि नहीं. अगर मान लो कहीं पर टर्म ऐसा है टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो अगर साइन एक्स, मतलब किसी प्रॉब्लम में आपको ऐसा दिख दिया, तो अब क्या होगा डिफरेंशिएशन, अगर आप तो टू एटी, एटी लगाना मत भूलना यहाँ पे. हाँ साइन एक्स का क्या लिख दोगे, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स मत लिखना, डी एक्स, मतलब जहां पे एक्स रहेगा डी एक्स, जहां पे टी रहेगा वहां पे डी टी. क्लियर है, क्योंकि ये देखो आप इतना करोगे इससे अच्छा एक प्रोसेस में आ गया आपका है ना. तो ये हो गया यहाँ. इसके बाद आपका मेन काम होगा, ये करने के बाद इनिशियली आप यहां से हमेशा dx की वैल्यू निकालेंगे. ऐसा क्या बोले, जब भी ये करने के बाद हमेशा क्या होगा, dx की वैल्यू निकाल लो. तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगा, dt ओवर 3x. अब देखिए प्रॉब्लम, ये x स्क्वायर है, x क्यूब की जगह आप क्या लिख दोगे, t है ना, x क्यूब जगह t लिखोगे, dx की जगह क्या लिखोगे, dt ओवर 3x, x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 3 बाहर निकला, इंटीग्रेशन e रेस टू t इनटू dt. मेक श्योर अगर आपका dt टर्म है जो सारे टर्म क्या रहेंगे, t के टर्म्स में ही रहने चाहिए बराबर है. जैसे dt आया t आएगा, x के टर्म जितने थे सारे के सारे वो हट जाने चाहिए, या फिर एक्सप्रेस करके आप हटा दो किसी तरह. अब क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन, इज टू टी ओवर थ्री प्लस टी. लेकिन आंसर में क्या हमारा, क्या प्रॉब्लम में हमारे पास था टी, नहीं था ना, तो आप क्या लिखोगे आंसर, ई की पावर एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस टी. ये तरह एकदम फंडामेंटल है ना, प्रॉब्लम के साथ ही आपको बता दिए. तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा किसे क्या पकड़ना है. लेकिन आप उस टर्म को करो, जैसे हमने यहाँ पर क्यों पकड़ा इसे, क्योंकि हमें पता है ये डिफरेंशिएशन देगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ये वाला होगा है ना, ना कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब होता है. और फंक्शन के अंदर होना चाहिए, समझ रहे हो, जैसे मान लो ई की पावर इसमें रहा ना फंक्शन, ठीक है, इसका है. बेसिकली इस फॉर्म में रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ पाई टी, ओके, मल्टीप्लाइड बाय पाई डैश टी, जनरली इस फॉर्म में रहता है ना. इसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या हो गया, ई की पावर एक्स ना, ई की पावर एक्स क्यूब, तो उसका डिफरेंशिएशन ये रहेगा. तो प्रॉब्लम को भी ऐसा ही फ्रेम किया जाता है ताकि अगर आपने सही सही अज्यूम किया तो 100% हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, सर लिख लीजिए. और चलिए अब स्टार्ट करते हैं ना. 3.2 ये भी दिया हुआ है क्या, ठीक है सर, लिखिएगा 3.2 3.2 फर्स्ट का सेकंड. इंटीग्रेशन बता रहा है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स रेज टू 3/2 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 - x² इसे बनाएंगे. किसको पकड़ोगे यहाँ पे, टी किसे अर्जुन करेंगे हम लोग,
साइन वर्स एक्स टू, है ना, क्योंकि साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक, चलो एज्यूम करो आ जाएगा। और अगर स्टार्टिंग से कर दो तो फिर ऐसे ही करना कि पूरा, मतलब जो एक्सरसाइज जिस दिन हुआ उस दिन बताते रहेंगे, वो आप मतलब बना के मतलब करते रहना होगा, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। जैसे आप दो एक्सरसाइज करवा देते हैं 3.2 एंड 3.1, तो इसे आप घर पे कर लेना, तो फिर कल ही क्लास है ना, 3.1 ही करना था। आया होगा साइन वर्स रेस टू 5/2, है ना, ओवर 5/2, मतलब 2 इंटू साइन वर्स 5/2। आँख में लग रहा है क्या? दस, हाँ ये बहुत डेंजरस। तुम्हारा है ना सजन? चलिए नेक्स्ट, चार नंबर, x इंटू स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर रूट अंडर ऑफ टेन क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कितने बजे तक लेक्चर है? 4 बजे तक, 5 बजे तक है। तुम लोग बैठोगे? वो भाग गया पहले, दिमाग लगा दिया, कौन बैठेगा 5 मिनट तक। हाँ तो इसके साथ क्या किया जाएगा, क्या लग रहा है किसे पकड़ोगे? सेक स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं नहीं तो लंबा बन जाएगा ना, सेक स्क्वायर से क्या बन जाएगा, 2 sec x into sec x into 10 x बन जाएगा। और कोई सजल? टेन का टेन क्यूब एक्स को नहीं पकड़ेगी, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, तो किसको पकड़ोगे? टेन, टेन ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर को पकड़ोगे, क्योंकि एंगल है ना एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते हो टेन एक्स स्क्वायर को, ये पता होगा आपको, ये नहीं लिख सकते। तो आप यहाँ पे tan x स्क्वायर को t पकड़ो, ठीक है ना, बराबर। अब क्या होगा डिफरेंशिएशन बता, sec स्क्वायर x स्क्वायर, और कुछ होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ना, टेन रूट टू एक्स, फिर यहाँ पे डी एक्स, फिर यहाँ पे डी,
तो यहाँ से पहले क्या बताए थे, इनिशियल स्टेट में अगर आता है तो सही है, ये तो बेहतर तो यही है कि ना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे नहीं होते लेकिन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं ना हमेशा, तो क्या आएगा डी टी ओवर टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ वो तो वही तो एक मेथड है, वो तो अच्छा मेथड है, वही तो बता रहे हैं ना, बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। अब देखो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ऊपर क्या क्या है न्यूमरेटर में, ये टर्म दिख रहा हमें, x दिखा dx दिखा, मतलब इसके जगह पे क्या हम लिख सकते हैं dt ओवर 2 डायरेक्ट, है ना। अगर वो समझ में आ गया तो काफी अच्छा है ना, मेरा मेहनत कम हो जाएगा। इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे dt ओवर 2, है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप टी क्यूब रूट अंडर ऑफ टी क्यूब, मतलब टी की पावर कितना, नहीं थ्री बाई टू, हाँ सही 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 माइनस थ्री बाई टू ऊपर जाते हैं ना, अब तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। चलिए बढ़िया, तो यहाँ मेन वही है, अज्यूम करना है, क्लियर, मेन यहाँ पे अज्यूम करना है। ये कौन सा है, वन प्लस है क्या, ये कौन सा फोन है, वन प्लस एम 21। अच्छा क्वालिटी अच्छा है भैया, पांच ईरेस टू थ्री एक्स ओवर ईरेस टू थ्री एक्स प्लस वन, चलिए इसका क्या सोच रहे हैं, ई की पावर थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जनरली अब हम क्या देख रहे हैं ना, हम सोचते इसे हम टी पकड़ ले, है ना, तो मेरा ऊपर वाला आ जाएगा। ओके तो वही दिमाग लगाकर हमने क्या सोचा, ई रेस टू थ्री एक्स प्लस वन को टी अगर आपने अज्यूम किया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, थ्री ई रेस टू थ्री एक्स, है ना। अगर कांस्टेंट आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो जाए ना तो कोई फर्क हमें पड़ने वाला है। तो इन प्लेस ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स आप क्या लिख लोगे, डी टी ओवर थ्री, है ना। तो क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dt over 3 और यहाँ पे 1 over t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ln बनेगा, है ना, बराबर log भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 over 3 ln mod t plus t, yes। और t की वैल्यू फिर हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, कितना आ गया ln of mod of e raise to 3x plus 1, है ना। चलिए डाउट नहीं है, सिंपल है सर, इसे बना, ये अच्छा प्रॉब्लम ना सर,
over e raised to x plus 1 over e raised to x. Then again, e raised to 2x over e raised to x minus of e raised to 2x over e raised to x. अब सही है अब इसे होगा क्या अब देखिए आप e raise to 2x over e raise to x ये क्या बन जाएगा e raise to x बन जाएगा तो ये बन जाएगा this one become e raise to x और 1 over e की power x क्या बन जाएगा e raise to minus x ना तो ये plus of e raise to minus x over ये क्या बन जाएगा और ये अब इससे क्या प्रॉफिट हुआ देखो अब अगर यहां पे आपने अगर टी पकड़ा ठीक है ना अब क्या होगा डिफरेंशिएशन e रेस टू एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e रेस टू एक्स ही बनेगा ना इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा e रेस टू माइनस इसका डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस एक्स मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस e रेस टू माइनस एक्स तो डी एक्स इज इक्वल टू तो अब समझ जाओ इस न्यूमरेटर के जगह में मतलब क्या लिख लोगे dt ना ओवर क्या ठीक ये क्या आ जाएगा ln mod t plus t then ln of क्या t की जगह पे क्या लिख लोगे है ना ये आंसर होगा ठीक है तो इससे बता रहे यहाँ पे क्या डिवाइड करना था उससे आगे ही बन जाता अगर आपको पास्ट फ्रैक्शन पता है तो बन जाएगा बोला
और एक सिंपल प्रॉब्लम है नंबर 17। ये बता रहा है तुमको 10x^9 10 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 9 प्लस 10^x इंटू लॉग ऑफ 10। लॉग मतलब यहाँ पे लॉग बेस e होता है ना, कैलकुलस में जब आप करते हो तो ये अज्यूम कर दिया जाता है लॉग है, तो इसका मतलब बेस 10 है। 10 की पावर x प्लस x की पावर कैसे बनाओ, ये कैसे बनेगा? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है मन में करो, 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10^x इंटू लॉग 10 है ना, और x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10x^9 खत्म है ना। तो नीचे वाले को टी पकड़ लो, बराबर बनाओ, हाँ एल एन टी आ जाएगा, बनाओ 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 बनाओ। और हम खुशते हैं नंबर 15। यदि वो 2 sin x cos x अपॉन 3 cos2x प्लस 4 sin2x ये कैसे बनेगा, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा पहले वो निकालो, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दोनों में से किसी का भी कर लो, क्या आ रहा है माइनस 2 आएगा ना, 2 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है ना, बराबर। तो आप किसी को भी जेड पकड़ लो, या तो इस टर्म को जेड मतलब p पकड़ो या फिर इस टर्म को, क्लियर। तो सपोज हमने cos स्क्वायर x को क्या पकड़ लिया, t अज्यूम कर लिया, तो t अज्यूम करने से क्या आ जाएगा इसका, हमने देखा इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin x cos x dx is equal to dt, so that implies, तो इसके जगह आप लोग क्या लिख लोगे, 2 sin x cos x dx के जगह क्या लिखोगे आप,
मतलब ऐसे क्या लिखोगे, माइनस डी टी लिखोगे, है ना? तो ये बन गया माइनस ऑफ डी टी ओवर, चले यहाँ पे तो आ गया थ्री टी आ गया, बराबर है। साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या वो एक्सप्रेस हो सकता है क्या इन टर्म्स ऑफ टी? वन माइनस टी, हाँ वेरी गुड, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट लिखोगे आप वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, है ना, कॉस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वन माइनस टी, तो ये बन गया फोर वन माइनस टी, अब तो हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी ओवर, यहाँ पर क्या आने वाला है, आई थिंक फोर माइनस टी आ जाएगा, क्या बोलते हैं, है ना, क्योंकि थ्री टी माइनस फोर टी माइनस टी बन जाएगा। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन ये किस फॉर्म में है, वन ओवर एक्स के फॉर्म में है ना, मान लो अगर ऐसा रहा डी एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, अब तो बता देगा सर, इसे लिख लीजिए आप एल एन ऑफ क्या, मॉड ऑफ एक्स प्लस बी ओवर ए, यही बोलोगे ना, तो ये भी तो उसी फॉर्म में है ना, तो क्या लिखोगे, एल एन मॉड ऑफ फोर माइनस सी ओवर कितना, नहीं फोर क्यों ओवर एक्स की कोफिशिएंट, टी की कोफिशिएंट क्या बनेगा, माइनस वन है ना, कोफिशिएंट का मतलब है ना, तो ये चीज याद रखना, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये टर्म, उसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स को भी अगर हमने टी पकड़ते हैं तब भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो दोनों का डिफरेंशिएशन सेम होता है, सिर्फ क्या होती है वहां पे साइन में चेंजेस होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, क्लियर? आगे बोलो, डी एक्स ओवर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर थ्री, रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर थ्री, हाँ इसे बनाइए आप, रूट अंडर ऑफ एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो, एक्स रूट एक्स है ना, बराबर ना, इसके बाद रूट एक्स कॉमन ले लोगे, चलो ठीक है बहुत सही, रूट एक्स आपने कॉमन ले लिया, बच गया आपके पास, क्या करोगे, एक चीज याद रखना, जब भी रूट के अंदर कुछ रहता है ना उसे हम टी एस को पकड़ लेते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम फॉर्मूला ऑल रहेगा बाद में चल के, तो x के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर लो टी एस पर जब रूट के अंदर कुछ रहा है ना, तो डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, dx x की डिफरेंशिएशन dx टी एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, टू टी इंटू, तो प्रॉब्लम क्या बन गया, इसके जगह क्या लिख लोगे, टू टी डी टी ओवर, इसके जगह क्या लिखोगे, टी लिखोगे है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे,
ये कैंसिल हो गया ना, क्या आया तुम्हारे पास, टू अंडर रूट ऑफ डी टी ओवर वन प्लस करोगे हाँ। इसके लिए फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या कहता है वो इसने दे दिया, लेकिन ये फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होता है 1 ओवर a, ये आपको पढ़ाएंगे हम, मतलब नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, tan इनवर्स x by a प्लस, बराबर। ये फॉर्मूला से a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो कुछ झमेला ही नहीं बचा, तो आप क्या लिख लोगे आप इसे, ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स क्या लिखोगे टी प्लस टी, टी की वैल्यू रूट है, तो क्या आ गया फॉर्मूला हमारा टू टेन इनवर्स ऑफ रूट है। हाँ नेक्स्ट करते हैं 19 इंटीग्रेशन, इसे आप लोग बनाओ 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर ऑफ x प्लस 2 इंटू dx, हाँ फर्स्ट का आया क्या बनाते रहो, ये बनाओ ये कैसे बनेगा, रूट है ना, रूट रूट के लिए क्या बताया था, जो रूट के अंदर रहेगा उसको आप क्या पकड़ोगे टी एस पर, है ना, ये मंत्र है याद कर लो, जो भी रूट के अंदर रहेगा उसको हम क्या पकड़ेंगे टी एस पर, पकड़ो आ जाएगा ना, ना? तब तक सुस्ते नहीं करोगे तब तक नहीं होगा।
नीट का फॉर्म निकला क्या? अभी तक नहीं निकला। मैंने इसका फिलअप किया था ना, आप लोग ने नहीं किया? मार्च के लिए टोटल कितने इस बार 22 लाख कैंडिडेट एग्जाम दे रहे, 22 लाख, पिछले साल कितने थे? 11 थे। अभी पिछले साल मेंस का नीट का बता दीजिए। वैसे कुछ हुआ इस बार भी, 50% ड्रॉप ही किए होंगे ना, लॉकडाउन लग गया ना फरवरी में, मार्च में लगा था। हाँ हाँ, तो वही कैंडिडेट आ गया। रूट वाले को देख, मतलब जेडएस को पकड़ो, आ जाएगा यहाँ तो कुछ ऐसा आया होगा। x प्लस टू को आपने टी स्क्वायर एज्यूम किया होगा, है ना? तो dx क्या आया होगा? 2t dt। बेहतर ये होगा आप यहाँ पे x की वैल्यू, इस x के लिए यहाँ से वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, तो x इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास टी स्क्वायर माइनस टू। अब इंटीग्रेशन बन गया 2 times of t square minus 2 प्लस वन, ओके ये हो गया। साथ में इसके जगह पे आप क्या लिखोगे? टी, है ना? और डी एक्स के जगह पे क्या लिखोगे? 2t dt, है ना? तो अब आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया? -4 + 1 मतलब -3। और आप मल्टीप्लाई 2t² × d, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देन आई हैव 4 × 4 − 6t² dt, तो ये आ गया 4t⁵/5 माइनस इसके लिए 3 बनेगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे 2t³ + 3। और t के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर लोगे आप लोग? x + 2 raised to ½, है ना? तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 4x + 2 raised to 5/2, है ना, ओवर 5 माइनस 2 × x + 2 raised to 3/2 ओवर, वो तो कुछ है नहीं, साथ में क्या आ जाएगा? प्लस। डाउट है? डाउट नहीं ना? चलो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट में क्या करना चाहोगे?
ये सब तो हो गया होगा। अगर आप 21 को भी ध्यान से देख रहे हो, वो भी रूट का ही प्रॉब्लम है ना। ये कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3x ओवर रूट अंडर ऑफ 2 माइनस 3, है ना। तो आपको समझ गया होगा, इसे टी पकड़ना है, टी एक्स पकड़ना है ना। सर टी एक्स पकड़ो फटाफट। आगे जटिल हो तो गया। तुम्हारा आया क्या? नहीं है। किसको? तो क्या होगा इसका लिखने से? इसको कुछ नहीं करना है अभी, जो करना है आपको इसको करना है। इसका लिखने से क्या होगा? माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है तो लिखो माइनस थ्री इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये समझ में आया? टी एस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ, टू डी टी पावर के लिए पहले होगा ना, टू टी लिखो। हाँ, इज इक्वल टू टू टी इंटू डी टी, है ना। डिफरेंशिएशन करने के बाद डी टी लिख देना, फिर डी एक्स लिख देना, एक्स की जगह पे डी एक्स, है ना। अब जहां जहां पे एक्स है वहां वहां टी एक्सप्रेस करोगे, जहां जहां एक्स है वहां पे टी स्क्वायर एक्सप्रेस करोगे। मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे तो माइनस थ्री डी एक्स दिया हुआ है ना, क्यों ना ऐसा लिख ले माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू। क्लियर है? नहीं, चलो एक्स की वैल्यू निकाल ले, एक्स की वैल्यू निकाल लिया। ओके, और ये आपने निकाला यहाँ पे, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस टू टी डी टी ओवर थ्री, है ना। ये तुम हमेशा करना, डी एक्स निकाल लेना, बराबर। इनिशियल में ये सब लगता है, इंटीग्रेशन ऑफ
यहाँ क्या होगा फाइव है ना माइनस थ्री टाइम्स ऑफ x की जगह पे क्या लिख लोगे इसका एक फॉर्म था फॉर्म याद है क्या इसका एक फॉर्म था cos रहेगा तो sin रहेगा तो फिर क्या करने का इसे नहीं x है ना ये लिखेंगे ना ए स्क्वायर माइनस टू ओवर माइनस थ्री है ना ओवर इसके जगह पे क्या लिखोगे मतलब t लिख दोगे dx की जगह क्या लिखोगे ये वाली टर्म माइनस टू डी टी ओवर थ्री अब क्लियर है तो ये t चला गया ये माइनस थ्री भी चला गया मतलब ये बीच में प्लस आ जाएगा ओके तो क्या आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन फाइव प्लस टी स्क्वायर माइनस टू और यहाँ पे माइनस वन ओवर टी इंटू डी टी अब तो हो जाएगा ना एक दो बार मतलब ये करोगे ना प्रैक्टिस करोगे ना खुद पे खुद आ जाएगा ठीक है तो ये हो गया हमारा 25 घर पे कर लेना है बराबर इसे टी पकड़ो लॉग ऑफ लॉग आ जाएगा हाँ दो बार पकड़ना पड़ा हाँ सही है मतलब ऐसा हो सकता है ठीक है हम दिखाते हैं ना ऐसा भी हो सकता है कभी कभी दो बार हमें करना पड़ेगा दो बार यहाँ पे अज्यूम करना पड़ता है ना हाँ देखिए तो ये आपको दिख रहा होगा log x है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1 ओवर x आएगा तो हमने log x को क्या पकड़ लिया p तो इससे क्या आ गया 1 ओवर x dx इज इक्वल टू dp क्लियर तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी x इंटू dp बराबर अब देखिए इंटीग्रेशन में अब हमने क्या किया इस dx की जगह पे क्या लिखा x dt ओवर ये x तो है ये जो log x है इसकी जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया t और ये जो log x है इसकी जगह भी क्या लिख दोगे t ना तो ये आ गया log t अब देखिए x x तो कैंसिल हो गया क्या बचा आपके पास dt ओवर t इंटू log t तो फिर से आप डिफरेंशिएशन करोगे ना क्योंकि log t का डिफरेंशिएशन ये होता है अब यहाँ पे सेकंड सब्स्टिट्यूशन log t को कुछ पकड़ लो मान लो v पकड़ लिया ओके तो अब क्या आ गया ओवर t dt इज इक्वल टू dv तो dt की जगह पे क्या लिख दोगे t इंटू dv ओवर t इसके जगह v dt कैंसिल हो गया इंटीग्रेशन क्या आ गया ln v और b के जगह पे फिर से ऐसे सब्स्टिट्यूशन ln आप क्या लिखोगे यहाँ पे log t बराबर ln और log बराबर है प्लस c फिर आ गया ln log इस c की जगह पे क्या लिख लोगे आप log x प्लस हो गया एक लास्ट दिखा देते हैं सेकंड है ना इसको बच्चों देंगे ये एक टाइप है देखो यहाँ पे किसी भी सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनेगा नहीं बनना है ठीक है हमने क्या सोचा आपको भी वही सोचना है x माइनस ए है ना एंगल
डिनोमिनेटर में वही एंगल आप ऊपर ले आओ, ठीक है, ऊपर कैसे ला सकते हो, बैलेंस भी होना चाहिए प्रोवाइडेड, ऐसे लिख सकते ना x माइनस ए प्लस ए, क्योंकि माइनस से प्लस से बैलेंस है, बाकी मतलब मेरा प्रॉब्लम बैलेंस है ना। अब ये किस फॉर्म में आ गया, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो ये आ गया तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए कॉस बी। अच्छा ए कॉन्स्टेंट है बराबर, बाकी जो वेरिएबल रहेगा ना एक्स को छोड़ के वो जनरली कॉन्स्टेंट होता है। माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए देन साइन, इसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। ओवर आ गया यहाँ पे साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ये सब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगा ना कंपाउंड एंगल, तो वो सब वहां पे होगा साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, क्या ये कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, क्वाड बन जाएगा। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ए हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉट एक्स माइनस ए, ओके, और ये डी एक्स बना माइनस, तो साइन ए तो कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब साइन ए कॉन्स्टेंट होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो भैया देखिए यहाँ पे कॉस ए कॉन्स्टेंट हो गया, कॉट का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या था लेन ऑफ साइन एक्स, देखो अभी कर एलेन ऑफ साइन एक्स, तो ये बन जाएगा एलेन ऑफ मॉड रहेगा साइन ऑफ एक्स माइनस, ठीक है। अब यहां पे क्या आ जाएगा माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स बनेगा ना एक्स इंटू साइन प्लस, ये आंसर होगा। इसका एक फॉर्म है बराबर, फॉर्म की प्रॉब्लम लिख लें यहाँ पर, आपका एक कंप्लीट हो गया, मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ, और भी सारे प्रॉब्लम बाकी होंगे, वो सब नेक्स्ट क्लास मतलब कल करते हैं। तो पहले कर लेना चाहिए, सारे फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट, हाँ फिर तो सही है। ठीक है, फिर लेक्चर ही बंद करते हैं ना।